उपसरपंच आणि सदस्य ट्रॉफी 2024 आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं आपण स्वागत करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य ट्रॉफी 2024 आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा आपण स्वागत करूयात. अतिशय सुरेख आणि दिमागदार ही स्पर्धा आपण पाहतोय. जय म्हसोबा नारपोलीची ही मोठी स्पर्धा या नारपोलीच्या मैदानावर. आपण पहिले देवेंद्र दोन सामने पाहिले. पहिला जो सामना झाला एका बाजूला बातानपाडा, दुसऱ्या बाजूला चिखले संघ. 6 चेंडू आणि 6 धावा बनवता आल्या नाही बातानपाडा संघाला. त्यानंतर जो दुसरा सामना झाला सिद्धी करवले आणि मानसी स्पोर्ट्स डेरवली, तो सामना जिंकला मानसी स्पोर्ट्स डेरवली संघानं. सुरेख फलंदाजी केली आकाश भोईर, बॅक टू बॅक दोन जे षटकार लगावले आणि तो सामना जिंकला मानसी स्पोर्ट्स डेरवली या संघानं. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. तमाम दर्शक जो इस मंच और मैदान के ऊपर तशरीफ ला चुके उन सभी दर्शकों का हम शुक्रगुजार है इस प्रतियोगिता के माध्यम से. आए हुए तमाम दर्शक जो साक्षी है इस प्रतियोगिता के, आज की रात का ये तीसरा मुकाबला, एक तरफ टीम कह रहे तो दूसरी तरफ टीम रंजन पाड़ा. याच दरम्यान आपण पाहतो आमचे पाहुणे आदरणीय प्रवीण पाटील साहेब, सामाजिक कार्यकर्ते गडप पेन, त्यांच्या समवेत आदरणीय सदानंद म्हात्रे साहेब जिते, त्यांच्या समवेत आदरणीय गुरु पाटील साहेब गडप पेन, प्रवीणजी पाटील साहेब गडप पेन, देवेंद्र पाटील साहेब गडप पेन आणि रोहित पाटील साहेब गडप पेन. या सर्व मान्यवर पाहुण्यांना विनंती केली जाते की आपण व्यासपीठावरती या, आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. नक्कीच सर्व पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण प्लीज या मंचावर यायचं आहे. आपण पाहतोय पेणकासू परिसरातील हे सगळे जबरदस्त व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रवीणजी पाटील, त्यानंतर सदानंद म्हात्रे, सूरज पाटील, प्रवीणजी पाटील, त्यानंतर देवेंद्र पाटील, रोहितजी पाटील, या सर्व कासू गडप परिसरातील सर्व मान्यवरांना विनंती असेल की आपण प्लीज या मंचावर यायचं आहे. आम्ही भारतीय जनता पार्टी नारपोली यांच्या वतीनं सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य चषक 2024 आपलं मनापासून स्वागत करतोय. ज्ञानेश्वर, आपण बघतोय जबरदस्त आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. रोज आपण पाहतोय पाहुण्यांची मांदियाळी प्रेक्षकांना या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. मंच प्रत्येक वेळेस भरलेलाच आपल्याला बघायला मिळतोय. कारण आपण बघतोय या ठिकाणी जबरदस्त, या ठिकाणी सुरुवात पहिल्या दिवशी आपण पाहिली होती डे नाईटचे टुर्नामेंटचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तब्बल 40 संघांना या स्पर्धेमध्ये प्रवेश दिलाय. आणि आता मात्र आपण बघतोय पहिले 2 सामने पूर्ण झालेत. आता मात्र आपण पाहतोय एका नवीन गटाला सुरुवात होतीये आणि त्या नवीन गटातील हा पहिला सामना. डी पूल का ये पहला मुकाबला बीच मैदान में कह रहे बनाम रंजनपाड़ा के बीच हाई वोल्टेज मैच. 4 ओवर का ये मुकाबला. टॉस सिद्धू 11 कैरे टीम ने जीता. पहले किया बल्लेबाजी का फैसला. ऐसे में गेंदबाजी के लिए आमंत्रण दिया टीम जे हनुमान रंजनपाड़ा को. शानदार मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच, बिग फाइट मुकाबला. 2 ऑफिशियल्स ऑन फील्ड अंपायर हम देख रहे बीच मैदान के ऊपर. अंपायर मुकाबले को शुरू करना है. आदरणीय दत्ता मस्कर साहेब यांचं या व्यासपीठावरती आगमन, त्यांना विनंती केली जाते की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. तो बॅक टू क्रिकेट दोस्तों. सरपंच उपसरपंच सदस्य ट्रॉफी 2024 का शानदार कारवा बीच मैदान के ऊपर. आज की इस प्रतियोगिता की ये तीसरी रात और तीसरी रात का डी पूल का पहला मुकाबला. सत्यवान जी काकडे मेन अंपायर, विशाल जी पाटील सर स्क्वेअर लेग अंपायर. द ऑफिशियल्स ऑन फील्ड अंपायर बीच मैदान में. तो गेंदबाजी की भाग दौड़ गेंदबाज शेखर पाटील,
सामने बल्लेबाज सागर पाटिल, पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, इस गेंद तो डाला था बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। रांधनपाड़ा का आरंभिक गेंदबाज शेखर पाटिल के हाथ में यह गेंद, चार ओवर का यह मुकाबला, शानदार मुकाबला, खचाखच भरा हुआ यह नारपोली का मैदान। और इस मैदान के ऊपर तमाम दर्शकों का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं आयोजनकर्ताओं की तरफ से। इस बार इस गेंद को खोल के निकाला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी गेंद के नीचे था, एक रन मुकम्मल हुआ, एक रन के साथ टीम सिद्धू 11 कहरे का खाता खुल चुका है बीच मैदान में, एक रन बगैर नुकसान। पहला मुकाबला बेहतरीन मुकाबला हुआ, 12 गेंदे और देवेंद्र 9 रन चाहिए थे बातानपाड़ा टीम को, वो रन नहीं बना पाई टीम बातानपाड़ा और चिखला टीम उस मुकाबले को जीती। उसके बाद दूसरा मुकाबला एक और हाई वोल्टेज हुआ, सिद्धि करौले बनाम डेरोली के बीच, उस मुकाबले को जीता डेरोली टीम ने। और आज की रात का ये तीसरा मुकाबला, एक तरफ रांधनपाड़ा तो दूसरी तरफ सिद्धू 11 कह रहे। गेंदबाज शेखर पाटिल राइट आर्म राउंड द विकेट से इस गेंद को खेला, कलाइयों के माध्यम से स्टीयर किया, गेंद गई डीप में, गेंद के लिए प्रोडक्शन था, इस गेंद के ऊपर सिंगल को कन्वर्ट किया 2 में, 2 रनों के साथ टोटल 2 से बढ़ता हुआ 3 रन, 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके टीम सिद्धू 11 कहरे का टोटल। शानदार आयोजन, शानदार नियोजन, शानदार मैच, सिद्धू 11 कहरे विपक्ष रांधनपाड़ा। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके, शांत शुरुआत, धीमी शुरुआत टीम कहरे के लिए बीच मैदान में। इस बार लॉफ किया, गेंद को स्टीयर किया, सीधा मिड विकेट को क्लियर किया, नंबर आया 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ये आसमानी तूफानी सुल्तानी जगह। ओवर पिच ये गेंद थी और इस गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार, बड़ा हिट आया बल्लेबाज रजत पाटिल के बल्ले से, 6 के साथ टोटल की बात करें देवेंद्र तो 9 रन ऑन अबोर्ड टीम सिद्धू 11 कह रही। P1 का ओवर, 2 खिलाड़ी तीसरा सर्कल के बाहर, फिर से एक बार लॉफ करने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद यहां से ट्रेवल होती हुई डीप स्क्वायर लेग में, खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया, तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, सिंगल को कन्वर्ट किया 2 में, शानदार रन बिटवीन द विकेट 2 खिलाड़ियों के बीच और 2 रनों के साथ टोटल 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके टीम सिद्धू 11 कहरे का टोटल। यहां से पहला झटका लगा टीम सिद्धू 11 न कहरे को, आउट होने वाले बल्लेबाज रजत पाटिल बैक टू द पवेलियन, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम सिद्धू 11 कहरे। धन्यवाद डीजे, एक ओवर का खेल देवेंद्र माली यहां से समाप्त हुआ, टोटल की बात करें तो टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज रजत पाटिल, जिन्होंने 10 रनों का योगदान दिया, 4 गेंदों में 1 छक्का दागा था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। पहली 6 गेंदे खत्म हुई देवेंद्र, अभी 18 गेंदे पहले 17 में बची है, 18 गेंदों में कितने रन सिद्धू 11 करे टीम बनाएगी, कितने रनों का टारगेट खड़ा होगा टीम जी हनुमान रांधनपाड़ा के सामने बीच मैदान में। कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर गेंदबाज कुंदन मात्रे रांधनपाड़ा के गेंदबाज सामने, बात करें तो सागर पाटिल ऑन स्ट्राइक, अतुल पाटिल ऑन द नॉट स्ट्राइक, ये दो तीसरी रात सुनहरी रात बीच मैदान में। इस बार लॉफ किया और पिच गेंद, शानदार स्ट्रोक
जैसे बल्ले के ऊपर आई गोली की रफ्तार से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। बाद डीजे ओवर पिच गेंद, उस गेंद के ऊपर अटैक किया बल्लेबाज सागर पाटिल ने, मिड विकेट को क्लियर किया, नंबर आया 6, 6 के 7 टोटल की बात करें देवेंद्र तो टोटल बना 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। शानदार शुरुआत इस ओवर की सागर पाटिल द्वारा, इस बार इस गेंद को खेला कारपेट ड्राइव के जरिए, गेंद गई या डीप में प्रोडक्शन था इस गेंद के लिए, और यहां से बात करें तो सिंगल मिला लॉन्ग ऑन में और 1 रन के साथ टोटल की बात करें तो 18 रन। नक्कीच आपण बघतो दत्ता मस्कर आपल्या परिसरातील एक सामाजिक कार्यकर्ते, त्यानंतर जनार्दन वाकडीकर ज्यांचे आपण बघतोय साई कृपा हॉटेलचे ओनर प्रोप्रायटर, ज्यांच्या हॉटेलमध्ये आपण बघितलं असेल बऱ्याच जणांनी लपेट्याचा स्वाद घेतला असेल, ते फेमस लपेटा आपण नेहमीच आस्वाद घेतो, ते साई कृपा हॉटेलचे ओनर जनार्दनजी वाकडीकर त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। धन्यवाद देवेंद्र। इस बीच ये देखेगा मिसफील्ड हुई, खिलाड़ी पंबल हुआ और दूसरी की कोशिश में बल्लेबाज आउट हो चुके रनआउट के तौर पर, एक और झटका लगा टीम सिद्धू 11 कहरे को। टोटल 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके टीम सिद्धू 11 कह रहे। सरपंच उप सरपंच और सदस्य ट्रॉफी 2024 का शानदार कार्रवाई नारपोली सर जमीन के ऊपर, हमारे आदरणीय मेहमान जनार्दन जी वाकड़ीकर साहब भी इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे आयोजन कर्ताओं की तरफ से। 19 के ऊपर आ चुका है टोटल नंबर 4 पे बल्लेबाज नरेंद्र पाटिल, 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बीच मैदान में आज की रात का तीसरा मुकाबला रांधनपाड़ा विपक्ष कहरे के बीच, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार आते ही बल्ले का फेस खोला, स्टैंड एंड डिलीवर बनते ही ये ओवर पिच गेंद के ऊपर अटैक किया बल्लेबाज की बात करें तो नरेंद्र पाटिल ने। शानदार स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर बल्लेबाज अतुल पाटिल ने, 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आया और इसके बाद टोटल की बात करें तो 25 रन। इस बार इस गेंद को खेला कारपेट ड्राइव के जरिए, कलाइयों के माध्यम से स्टीयर किया, 1 रन मिला शॉर्ट मिड विकेट में, खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 26 रन। 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, शानदार स्ट्रोक खेलाई बल्लेबाज अतुल पाटिल के माध्यम से, उसके बाद आया सिंगल ऑन स्ट्राइक नरेंद्र पाटिल। 4 ओवर का यह मुकाबला रांधनपाड़ा बनाम कहरे के बीच, गेंदबाज फिर से एक बार कुंदन ऑफ स्टंप के ऊपर इस गेंद को डाला था, अंपायर को शख्स की नजर से देखा, इस गेंद को मेरा अंपायर विशाल जी पाटिल सर ने वाइट घोषित किया, वाइट अतिरिक्त रन संख्या से टोटल 1 से बढ़ता हुआ 27 रन। 27 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं बल्लेबाजी के तौर पर सिद्धू 11 कह रहे टीम का, टोटल अपोजिशन की बात करें तो जे हनुमान रांधनपाड़ा टीम। इस बार इस गेंद को खेला, खोद के निकाला, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, 1 रन मिला, 1 रन के साथ टोटल 1 से आ गया था वह 28 रन। 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके टीम सिद्धू 11 कह रहे। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 12 गेंदे हुई समाप्त, आने वाली 12 गेंदे बाकी है दोस्तों। 12 गेंदों में कितने रन यहां से बनाती है कहरा टीम,
कितने रनों का टारगेट खड़ा होगा रांजनपाड़ा टीम के सामने। बारह गेंदे देवेंद्र समाप्त हुई, टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, यानी हर ओवर की बात करें देवेंद्र तो 14 रन प्रति ओवर। टीम सिद्धू इलेवन कह रहे विपक्ष जय हनुमान रांजनपाड़ा के बीच आज की रात का तीसरा मुकाबला। टॉस जीता टीम कह रहे के कप्तान ने और अनोखा फैसला पहले बल्लेबाजी करने का। तो इसके बाद मुकाबला होगा I-11 कोन विपक्ष उमरोली। I-11 कोन के कप्तान और उमरोली टीम के कप्तान आपको रिपोर्टिंग करना है। टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार इस गेंद के ऊपर अटैक किया, ऊंचाई ज्यादा इस गेंद में, लंबाई कम और यहां से कैच ड्रॉप हुआ और उसका फायदा दो बल्लेबाजों ने उठाया। दो रन मुकबल हुए दो रनों के साथ, टोटल यहां से मूव होता हुआ 30 रन। या दरमियान अपन पाहतो व्यासपीठावरती आमचे पाहुणे आदरणीय दत्ताजी मस्कर साहेब, सामाजिक कार्यकर्ते नारपोली, त्यानंतर जनार्दनजी वाकडेकर, साई कृपा हॉटेलचे सर्वे सर्वा आणि त्यांच्यासमवेत आदरणीय अर्जुनजी भोपेसाहेब शिडोन, या सर्व अतिथी मान्यवर पाहुण्यांचं सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य ट्रॉफी 2024 मध्ये मी आयोजकांच्या माध्यमातून मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। आणि आदरणीय गणेशजी पाटील या मान्यवरांचं सुद्धा या व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत। टोटल 31 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके। टीम सिद्धू इलेवन कह रहे का टोटल गेंदबाजी के तौर पे गेंदबाज परेश पाटिल। ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर इस गेंद को डाला था, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, काटा बदला गेंद ने टिप्पा खाने के बाद, गेंद गई विकेट कीपर ने के पास और जो बचा काम था वो विकेट कीपर ने निभाया। ऐसे में डॉट गेंद की समाप्ति और टोटल वही पे 31 रन टीम कह रहे का। गेंदबाज फिर से एक बार परेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से बल्ले का किनारा लगा, फिर से एक बार फर्स्ट स्लिप में जो खिलाड़ी था उस खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट के साथ टोटल वही पे 31 के ऊपर आ चुका है टोटल। I-11 कोन और उमरोली टीम के कप्तान आपको रिपोर्टिंग करना है, इसके बाद आपका मुकाबला होगा। उमरोली विपक्ष I-11 कोन, गेंदबाज परेश तैयार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार इस गेंद को खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा लगा, फर्स्ट स्लिप में जो खिलाड़ी था उस खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया, एक रन मिला इस बीच, एक रनों के साथ टोटल 32 रन। 32 के ऊपर आ चुका है टोटल। शांत क्रिकेट, शांत माहौल इस नारपोली सर जमीन के ऊपर इस रजनी की यह तीसरी रात और तीसरी रात का यह तीसरा मुकाबला। डी पूल का पहला मुकाबला है दोस्तों, इसके पहले ई पूल के दो मुकाबले खत्म हुए इस मैदान में। इस बार अंपायर की उंगली आसमान में, लेग बिफोर के तौर पे ये विकेट मिलता हुआ टीम जय हनुमान रांजनपाड़ा को। बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, तीसरा झटका। लेग बिफोर विकेट के तौर पे ये विकेट आया गेंदबाज परेश पाटिल के नाम। टोटल की बात करें देवेंद्र तो टोटल 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके। 3 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदे समाप्त हुई, 32 के ऊपर आ चुका है टोटल। अंतिम 6 गेंदे हैं, 6 गेंदों में कितने रन बनाएगी टीम यहां से सिद्धू इलेवन कह रहे और कितने रनों का टारगेट खड़ा होगा जय हनुमान रांजनपाड़ा टीम के सामने।
नए बल्लेबाज रॉयल पाटिल इन एट नंबर 5 की पोजीशन पे और गेंदबाज प्रितेश पाटिल। प्रितेश पाटिल अंतिम ओवर करेंगे टीम जय हनुमान रांजनपाड़ा की तरफ से। स्लॉग ओवर टेनिस में जिसे डेथ ओवर कहा जाता है, इस ओवर में हमेशा हम देखते हैं देवेंद्र की बल्लेबाज अटैक करता है गेंदबाजों के ऊपर। इस ओवर में कितने रन बनाएगी टीम कैरा और कितने रन बनाने पड़ेंगे अपोजिशन रांजनपाड़ा टीम को। हमारे मयूर पाटिल रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सदस्य और एक बेहतरीन स्कोरर इस रसायनी इलाके के, और कमेंट्रेटर्स की बात करें तो रोशन जी सपकाल सर शिवाजी नगर और देवेंद्र पाणी सर सावड़ा दोनों भी कमेंट्रेटर्स का हम आयोजन करता हूँ की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस बीच ये गेंद लोअर फुलटस गेंद थी, उठाने की कोशिश जरूर थी, खिलाड़ी गेंद के नीचे था, ऐसे में अंपायर का इशारा नौ का और 1+1 दो रन मिले इस गेंद के ऊपर। अगली गेंद होगी फ्री हिट, 1+1 दो रन, टोटल दो से बढ़ता हुआ 34 रन। अगली गेंद फ्री हिट होगी, इस गेंद के ऊपर मौका होगा बल्लेबाज के पास बड़ा हिट लगाने का। क्या ऑन स्ट्राइक जो बल्लेबाज खड़ा है रॉयल पाटिल वो बड़ा हिट लगाएंगे बीच मैदान में। गेंदबाज प्रितेश पाटिल बेहतरीन गेंद रफ्तार के साथ बीट किया बल्लेबाज को, बल्ले और गेंद का संपर्क ने गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति, टोटल वही पे 34, 34 रन, 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अंतिम ओवर इस पहले सत्र का, गेंदबाज प्रितेश पाटिल द्वारा रॉयल पाटिल और उनके साथ अतुल पाटिल ये जोड़ी बीच मैदान में। टीम सिद्धू 11 कैरे की तरफ से प्रितेश तैयार, इस बार इस गेंद को पुल किया, गेंद गई यहां से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक रन के साथ टोटल एक से मूव होता हुआ 35 रन, 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहली गेंद देवेंद्र नौ थी, उस गेंद के ऊपर आया 1+1 दो, उसके बाद डॉट और तीसरी गेंद के ऊपर आया सिंगल, कुल मिला के 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं इस पहले सत्र में टीम कैरे का टोटल। इस बार छोटी गेंद अटैक हुआ बल्ले के रडार में गेंद और यहां से गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को क्लियर किया, नंबर आया 6। और जैसे ही बल्ले के ऊपर गेंद लगी देवेंद्र इस गेंद के ऊपर मोहर लगाई थी 6 रनों की लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बार, 6-6 के साथ टोटल आया 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। शानदार स्ट्रोक खेला बल्लेबाज अतुल पाटिल ने। इकतालीस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, इस बार इस गेंद को खोद के निकाला, कलाइयों के माध्यम से स्टीयर किया, गेंद गई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक रन मिला, दूसरी की कोशिश क्या होगी। कैरे संघाचे जे खेळाडू प्लीज आपण डगआउट मध्ये बसा, नक्कीच विनंती असेल डगआउट मध्ये बसा, कैरे संघाच्या बाहेर प्लीज जाऊ नका। आपण मागचा फटका बघितला असेल, काय जबरदस्त नाद होता, आपण म्हणतो ना की संगीत म्हटलं की ताल लय सगळं सुरेख पाहिलं पाहिजे, तशाच पद्धतीने आपण बघतोय मंचावर उपस्थित आपल्याला अशीच एक हस्ती पाहायला मिळते, गेली कित्येक वर्ष हॉटेलचा व्यवसाय सांभाळत आहेत आणि बऱ्याचशा कस्टमरना त्यांनी आपल्या चवीनं विचार करायला गेलं तर फेमस लपेटा म्हणून त्यांचा मेनू नक्कीच असेल, परंतु या ठिकाणी बऱ्याचशा कस्टमर्सना त्यांनी या ठिकाणी प्रभावित केलं, एक जबरदस्त या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय। वाकडीकर साहेब आपलं मनापासून स्वागत, परंतु इथे आपण बघतोय एक चांगला प्रयत्न केला होता या गोलंदाजानं, फेक या ठिकाणी आता मात्र सरळ एष्ट्यांच्यावर केला आणि तंबूची वाट दाखवली ती या फलंदाजाला।
43 रन जीत के लिए चाहिए टीम जे अरमान रांजनपाड़ा को। 42 रन बोर्ड के ऊपर आ चुके सिद्धू इलेवन कह रहे टीम का टोटल। क्या इस रनों को आसानी के साथ बनाया जाएगा जे अरमान रांजनपाड़ा के बल्लेबाजों द्वारा, इसका आंखों देखाल सुनाएंगे दूसरे सत्र में हमारे साथ समालोचक मित्र देवेंद्र पाटिल सावड़ा। मगर तब देवेंद्र माली सावड़ा और उनके साथ हमारे रोशन जी, सबका सर धन्यवाद। स्वागत कक्षाकडे आपण वळूयात, ज्यामध्ये आपण अशा सत्कार मूर्तीचं स्वागत करणार आहोत। मराठी माणसानं व्यवसाय कसा करावा, व्यवसायामध्ये प्रगती कशी करावी आणि प्रगती करत करत माणसं कशी जोडली जावीत याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे अर्थातच आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या शिरडून नगरीतील एक व्यक्तिमत्व आदरणीय जनार्दन शेठ वाकडीकर, साई कृपा हॉटेलचे प्रोप्रायटर आहेत आणि एक यशस्वी उद्योजक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। विनंती करेन साहेब आपण आमच्या मुख्य स्वागत कक्षामध्ये जाऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। नक्कीच रोशन, आपण नेहमी म्हणतो ना की आपल्याला कधी कधी प्रत्येकाला आनंदी बनवण्याचं काम करता येत नाही, परंतु प्रत्येकाबरोबर आनंदी कसं राहावं व्यवसाय करताना ते मात्र आपण यांच्याकडे बघून नक्कीच आपल्याला बघायला मिळतं। कारण एक जिवंत उदाहरण आहे, प्रत्येकासोबत एक आनंदी, प्रत्येकासोबत एक हसून त्यांचं स्वागत केलं जातं असं आपण बघतो। एक मंचावर उपस्थित आपल्याला व्यक्तिमत्व पाहायला मिळतंय ते जनार्दन शेठ वाकडीकर यांच्या स्वरूपानं। आणि जर विचार केला ना, ज्या ज्या वेळेला शिरडून मच्छा मैदानावर मॅच होतात ना, त्यावेळेस जनार्दन शेठ वाकडीकरचं फार्म हाऊस अगदी लागूनच आहे त्या मैदानाला, खूप मोठी मेजवानी असते तिथे, मजा येत असते। त्यानंतर मी विनंती करेन अर्जुन भोपी शिरडोनहून आहेत, त्यांना विनंती करेन साहेब आपणही आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। अर्जुन भोपी साहेब शिरडोनहून आहेत, त्यांचंही आपण स्वागत कक्षामध्ये पाहाल। एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व आदरणीय जनार्दन शेठ वाकडीकर, कार्यक्रम सुखाचा असो किंवा दुःखाचा त्या कार्यक्रमाला आवर्जून त्यांची भेट असते, मग त्या क्रिकेटचे मॅचेस असो, कुणाचं लग्न असो किंवा मग दुःखाचा कार्यक्रम असो, आवर्जून त्या ठिकाणी जाणारं हे व्यक्तिमत्व आपण पाहिलं। त्यानंतर आपण दत्ता मस्कर सामाजिक कार्यकर्ते नारपोली, आपणालाही विनंती करेन की आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। दत्ता मस्कर तर मित्रांनो मॅच आपण मैदानामध्ये पाहू शकाल, स्क्रीनवर पाहुण्याचं स्वागतही पाहायला मिळत आहे। तसं बघायला गेलं तर टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा एक धाडसी निर्णय कैरे टीमकडून पाहायला मिळाला। एकीकडे सिद्धू इलेव्हन कैरे टीम आहे आणि जय हनुमान रांजनपाडा या दोन टीममध्ये मॅच। सर आपण अंपायर आपल्याला इथून आम्ही आवर्जून सांगू की या टाईम रिस्ट्रिक्शन द्या जरा त्यांना, खूप वेळ होतोय, एक तास जातोय प्रत्येक मॅचला, या गोष्टीची दक्षता घ्या। आणि खरोखर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहाल तर आपल्या बरोबर डाव्या साईडला अरुणजी मस्कर यांचं टी स्टॉल आणि खमंग मेजवानीचा एक जबरदस्त स्टॉल लागलेला आहे आणि त्या पुढे जर गेलात तर अजून एक जबरदस्त मेजवानी आपल्याला पाहायला मिळेल। सचिन पाटील चायनीज आहे, शेंगा वगैरे सगळं तिथेही अगदी खमंग मेजवानीचा आस्वाद आपण घेऊ शकता। सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती आहे एकदा चव मराठी माणसाच्या हाताची चाका, खूप सुंदर चव या दोन्ही जे स्टॉल आहेत त्यांचे, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करूयात। आई इलेव्हन कोण आणि उमरोली टीमच्या कॅप्टनला टॉससाठी इथे आमंत्रित करण्यात येत आहे, आई इलेव्हन कोण आणि उमरोली टीम। तो चलो दोस्तो मैदान की तरफ। तिरालीस रनों की जरूरत है, प्रफुल पाटिल और हेमंत पाटिल ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक बड़ा मुकाबला, हालांकि सिद्धू इलेवन करी टीम की कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, डिफरेंट डिसीजन। और उसके साथ अगर देखा जाएगा तो रन बनाने में कामयाबी मिली है जरूर, फाइटिंग स्कोर खड़ा कर दिया है। 43 रनों का पीछा करना है जय हनुमान रांजनपाड़ा टीम को।
इस दौरान गेंदबाज तैयार है, पहली गेंद हम देखेंगे। हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया था, कोई रन नहीं बनेगी। और हमारे दोस्त आज फुल एंजॉय कर रहे हैं, क्राउन रिकॉर्ड मैनेजमेंट के सभी हमारे दोस्त लोग, बिजनेस जॉब पार्टनर हमारे, जैसे कि श्याम मात्रे हो, गोविंद राठौर और पूरी कंपनी, फिर हमारे आतिश पाटिल, सतीश पाटिल, राजू गाड़े, वो किन किन की नामें ली जाए, और हमारे हरी नाइक, ये सभी का हम इस प्रतियोगिता के दौरान हम दिल से स्वागत करना चाहेंगे। जी हाँ, रंजीत गरत भी यहाँ पे इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए, और ये देखिएगा हमारे युवा नेते यहाँ पे आते हुए, आकाश पवार साहब, उनका स्वागत किया है दमदार छक्के के साथ 6 रन। थैंक यू, शानदार शुरुआत, पहली गेंद डॉट निकली थी लेकिन उसके बाद अटैक किया था बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से इस गेंद को डिफेंस करना चाहते थे। तो यहां से रवाना होते हुए हमारे आदरणीय मेहमान जनार्दन शेठ वाकड़ीकर, 56 नंबर किंग जिन्हें कहा जाता है, हर गाड़ी का नंबर आपको सेम दिखाई देगा, 5600 किंग जनार्दन शेठ वाकड़ीकर, आपका फिर से एक बार दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। ओ, इस बार देखिएगा बेहतरीन शॉट मिड विकेट के सर के ऊपर से, और एक छक्का। उनकी तरफ से 5000 रुपए की हमें यहां पे डोनेशन मिला है, तो उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट, इस बार गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक पर रहेंगे गेंदबाज। ओ, ये देखिएगा थोड़े से फंबल हुए थे, तू मैं भी हुई थी इस दौरान, एक रन कंप्लीट की दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है, स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 13 रन। माजी सदस्य मोहन जी पाटिल, रविंद्र जी कामले साहब यहाँ पे आ चुके हैं, ये जो विद्यमान सदस्य है उनका हम स्वागत करेंगे। फिर एक बार गेंदबाज दूर वाली छोर से तैयार रहेंगे। ओ, क्या बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब, खूबसूरत, देखने लायक बनता है ये स्ट्रोक, घुटना टेका था बल्लेबाज ने और 90 एंगल का कोण तैयार किया था, गेंद फिर उसी दिशा में 6 रन। तर देणगीदार आपण पाहू शकता, सन्माननीय रवींद्रजी कुरंगळे साहेब यांच्याकडून आम्हाला 3000 रुपये, रवींद्रजी कांबळे साहेब यांच्याकडून आम्हाला 3000 रुपयाचं या स्पर्धेसाठी डोनेशन आलेलं आहे। प्रशांतजी मुंडे सन्माननीय त्यांच्याकडून 2000 रुपयाचं मानधन आलेलं आहे। त्यानंतर अविनाशजी मुंडे यांच्याकडून 2000 रुपये, आदरणीय अंबो मुंडे यांच्याकडून 2000 रुपये, दत्ता मस्कर यांच्याकडून 500 रुपये, परीत चौधरी यांच्याकडून 1000 रुपये, नाना मस्कर यांच्याकडून 500 रुपये, रोहन मुंडे यांच्याकडून 3000 रुपये, आणि त्यानंतर लोकेश ढाबा लॉज यांच्याकडून 5000 रुपये, बाला केदारी 2000 रुपये, राम्यादादा सोमटणे 1000 रुपये, अतुल पाटील यांच्याकडून 1000, आणि आत्ताच ज्यांचं इथून जाणं झालं, जनार्दन वाकडीकर साहेब यांच्याकडून तब्बल 5000 रुपयाची देणगी या स्पर्धेला आलेली आहे। आत्माराम पाटील साहेब यांची प्रामुख्यानं उपस्थिती आहे। इस बार देखिएगा, दूर से खेला था इस गेंद को, ढकेल दिया था, फ्लिक किया था, और ये रन आएगी 4 और 4 रनों के साथ टीम के टोटल में हुआ इजाफा
23 रन बन चुके हैं। ये मुकाबला देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप टाइम पे नहीं आते तो आपके कम ओवरों का 3 ओवरों का मुकाबला खिलवाया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलो दोस्तों मैदान की तरफ जहां पे रन बने हैं 24। इस बार खेल दिया हवा में, बहुत ऊंची उठी है गेंद, क्या धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है प्रफुल्ल पाटिल, और एक तरफ हम बात करेंगे हेमंत पाटिल की। पाटिल जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहा है हेमंत पाटिल, वाकई तारीफ काबिल। और द विकेट इस बार देखिएगा डांडी गुल, नजर लग गई बल्लेबाजी को और इसी के साथ ये पहला विकेट मिला है गेंदबाजी करते हुए सिद्धू 11 करियर टीम को। पाटील कैरे से है सन्माननीय नितीन जी पाटील कैरेहून आहेत, त्यांना विनंती असेल याव आपण आपलं सहर्ष आहे। तदनंतर तानाजी पाटील कैरे सामाजिक कार्यकर्ते मोहन पाटील आहेत माजी सदस्य दहिवली, यांचे आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करणार आहोत। ते 34 धावा धावपळकावर झालेल्या आहेत, 43 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, 34 धावा धावपळकावर झालेल्या आहेत, म्हणजे अगदी विजयाच्या नजदीक जाण्याचं पूर्ण काम करताना आपल्याला जय हनुमान रांजन पाडा, हनुमानाची इनिंग, बजरंगाची इनिंग खेळत असताना हा संघ, आता मी म्हणेन अंगात साक्षात हनुमंत संचारलाय का, कारण प्रचंड वेगवान पद्धतीने फलंदाजी। यहां से अगर बात की जाए तो एक से रन संख्या बढ़ती हुई टीम की टोटल अगर देखा जाए तो 35 रन, थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है यहाँ पे सिद्धू 11 कैरे टीम को, एक ताकतवर टीम है। कौन टीम के कप्तान यहाँ पे मौजूद है? टीम उमरोली, उमरोली टीम के कप्तान से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आइएगा, दोनों टीमों से दरख्वास्त है, वक्त पर अगर नहीं आते तो फिर पेनल्टी मिलेगी। प्रतीक मोरे ये गेंदबाज, इस गेंदबाज को हम देखेंगे दूर वाली छोर से, फिर एक बार प्रतीक तैयार रहेंगे गेंदबाजी के लिए। यस सालुंग के नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, 30 नंबर के गेंदबाज, एक विकेट जा चुके अभी तक हेमंत पाटिल, उसके बाद प्रफुल्ल पाटिल की क्या लाजवाब इनिंग हमने देखी अभी तक, रांजनबाड़ा टीम के खिलाड़ी है, डिफेंस किया हल्के हाथों से, इस गेंद को खेला था, एक रन बनेगी और से एक रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन। अब गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत, 11 गेंदें 7 रन। उमरोली टीम के कैप्टन से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, लास्ट कॉल है, कौन टीम के कप्तान यहां पे मौजूद है? हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया था, एक रन बनेगी, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, टीम के टोटल में हुआ इजाफा, रन संख्या बढ़ती हुई 37 रन, 37 रन ऑन बोर्ड,
देखने को मिलेगा। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज रहेंगे तैयार, यश सालुंग के तीसरे नंबर की गेंदबाजी के लिए तैयार है। और द विकेट, फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार उड़ा दिया हवा में, खेला इस गेंद को, गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 6 रनों के लिए। तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे मैन ऑफ द मैच, 19 रनों की बेहतरीन इनिंग को अंजाम दिया था, प्रफुल्ल पाटिल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रफुल्ल पाटिल,